लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को मजबूती देने के लिए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को बरेली आ रहे हैं। सपा मुखिया बरेली के बिशप मंडल इंटर कॉलेज में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बताने की बरेली में आयोजित होने वाली विशाल जनसभा में शामिल होने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव रविवार दोपहर 2 बजे कार्यक्रम स्थल बिशप मंडल इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। वहीं उनके आगमन को लेकर बिशप मंडल मैदान में तैयारियां पूरी की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर महानगर अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं ने मौके पर आकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इनमें बहेड़ी विधायक अताउर रहमान, जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी, पूर्व महापौर सुप्रिया आर्यन समेत शामिल रहे। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बरेली लोकसभा सीट से प्रवीण सिंह आर्यन और आंवला सीट से नीरज मौर्य को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। वही 7 मई को बरेली में तीसरे चरण का मतदान होना है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बरेली आना हो रहा है। वे जनता से बरेली लोकसभा सीट के लिए प्रवीण सिंह आर्यन और आंवला लोकसभा सीट के लिए नीरज मौर्य को वोट देने की अपील करेंगे। कल की रैली में जबरदस्त भीड़ होगी, लोगों में बड़ा उत्साह है आदरणीय अखिलेश यादव जी की विचारों को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए बहुत खुशी है बरेली के लोगों में। और हमें पूरी उम्मीद है कि कल ये पंडाल पूरा ओवरफ्लो होगा, बहुत ज़बरदस्त भीड़ होगी। 2 चरण के मतदान खत्म हो चुका है, 3रे का शुरू होने वाला है जिसमें बारी आपकी अपने लोगों की आएगी 7 तारीख को। तो अभी तक के चुनाव विश्लेषण पे क्या कहना चाहेंगे आप? पहला राउंड और दूसरा राउंड आप लोग खुद ही आपको मालूम है जिस तरह का रुझान आ रहा है, एक तरफा इंडिया गठबंधन की सीटें जीत रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा है। लगभग कहाँ तक आने वाले हैं? वो 400 पार की बात कर रहे हैं लेकिन 200 का आंकड़ा भी छू नहीं पाएंगे। सरकार विपक्ष की बनेगी? विपक्ष कहाँ रहेगा, हम तो अभी विपक्ष में हैं, फिर तो सरकार में आ जाएंगे।